हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कमल चौहान और आप देख रहे हैं दी माउंट मसल। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा 5 वर्कआउट मिस्टेक जो लोग अक्सर किया करते हैं और इसी मिस्टेक्स के कारण वे अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। अगर आप भी अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो ये 5 वर्कआउट मिस्टेक बिल्कुल भी ना करें। मिस्टेक नंबर 1, वार्म अप ना करना। बहुत से लोग होते हैं जो वार्म अप को गलत तरीके से परफॉर्म करते हैं या फिर वार्म अप को स्किप ही कर देते हैं। तो पहले तो वार्म अप का मतलब समझ लिए। वार्म अप का मतलब है बॉडी को रेडी करना उस वेट ट्रॉमा के लिए जो आप अगले एक घंटे में बॉडी को देने वाले हो। और वार्म अप क्यों ज़रूरी है? ताकि आप इंजरी फ्री रहते हुए उस एक घंटे के वर्कआउट में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सको। और बहुत से लोग होते हैं जो वार्म अप को गलत तरीके से परफॉर्म करते हैं। फ्री बारबेल से बारबेल कर या फिर बेंच प्रेस या फिर पुशअप्स या फिर पुलअप्स लगाना वार्म अप नहीं होता। वार्म अप का मतलब है आपको अपनी बॉडी को रेडी करना उस वेट ट्रॉमा के लिए जो आप अगले घंटे में बॉडी को देने वाले हो, यानी कि बॉडी को रेडी करना हैवी वेट लिफ्ट करने के लिए। उसमें आपकी मोबिलिटी भी आ सकती है, उसमें आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है। आपकी जॉइंट मोबिलिटी हो गई, फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, और मसल को वार्म अप करना, ब्लड फ्लो इंक्रीज करना, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को रेडी करना। और बहुत से लोग ये भी मिस्टेक करते हैं कि अगर उनको जिम में चेस्ट ट्रेन करती है तो वे सिर्फ चेस्ट का वार्म अप करते हैं। आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना, आपको ओवरऑल बॉडी का वार्म अप करना है ताकि आपकी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर सके। और इसी गलत वार्म अप की वजह से काफ़ी लोगों को इंजरी हो जाती है, क्योंकि उन्होंने वार्म अप सिर्फ चेस्ट का किया और बेंच प्रेस के दौरान उनका ट्राइसेप गिव अप हो जाता है, शोल्डर गिव अप हो जाता है, ग्लूट्स गिव अप हो जाते हैं, बैक गिव अप हो जाती है। तो आपको ये मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करनी। मेरे अकॉर्डिंग आपको वार्म अप में 4 से 5 बातों का ध्यान रखना है। पहला है मोबिलिटी, आपको हर एक जॉइंट को मोबाइल करना है। दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी, आपको हर एक जॉइंट हर एक मसल को फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग करानी है। थर्ड, आपको अपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को रेडी करना है और आपको ब्लड फ्लो इंक्रीज करना है। आपको अपनी हार्ट रेट अप करनी है ताकि आपकी टारगेटेड मसल में न्यूट्रिएंट्स आसानी से और जल्दी पहुंच पाए। और नेक्स्ट है आपको उस टारगेटेड मसल को वार्म करना है, ना सिर्फ टारगेटेड, आपको ओवरऑल बॉडी में मसल को वार्म करना है। और प्रायोरिटी देनी है जिस मसल की आप एक्सरसाइज करने वाले हैं। जैसे आप चेस्ट की एक्सरसाइज करने वाले हैं तो आप चेस्ट को प्रायोरिटी देकर वार्म अप करेंगे, यानी कि फर्स्ट आपको चेस्ट का अच्छे से वार्म अप करना है, बैक का करना है और लैग को कम प्रायोरिटी देंगे। सेकंड वर्कआउट मिस्टेक इज़ प्लान का ना होना। यानी कि बहुत से लोग होते हैं जो जिम में जाकर सोचते हैं कि आज मैं चेस्ट कर लूँगा, आज मैं बाइसेप कर लूँगा, तो ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी। आपके पास एक फिक्स वर्कआउट प्लान होना चाहिए कि किस दिन मुझे क्या ट्रेन करना है, कितनी एक्सरसाइज करनी है, कितने रेपिटेशन लगाने हैं और कौन सा कितना वेट लिफ्ट करना है, ताकि जब आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर रहे हो तो आपको पता हो कि आपने लास्ट टाइम कौन सा वेट उठाया था और आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड के दौरान मसल को ज़्यादा टेंशन दे पाओ। अगर आपके पास एक फिक्स वर्कआउट प्लान है तो अगर आप जिम में जाकर कोई भी रैंडम एक्सरसाइज कर रहे हो कि आज ये एक्सरसाइज कर लूँ, आज ये एक्सरसाइज, तो आपको पता ही नहीं होगा कि आपने लास्ट वीक या फिर लास्ट टाइम जब बाइसेप कर्ल किया था, बाइसेप की एक्सरसाइज की थी तो कौन कौन सी एक्सरसाइज की थी और कौन सा वेट लिफ्ट किया था। और इसी तरह से आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी नहीं कर पाते। थर्ड वर्कआउट मिस्टेक इज ओवर ट्रेनिंग। लोग जिम में जाते हैं और उनके पास कोई प्लान नहीं होता, या फिर प्लान होता है तब भी 2 या 3 घंटे तक वर्कआउट करते हैं, जिसे कहते हैं ओवर ट्रेनिंग। लोग जिम में जाकर क्या करते हैं, उनके पास कोई वर्कआउट प्लान नहीं होता, ऐसे कोई रैंडम एक्सरसाइज कर ली, फिर उसके बाद कोई और एक्सरसाइज कर ली, और ये होता है लो इंटेंसिटी के कारण। अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर आप किसी का वर्कआउट कर रहे हैं, अगर आप चेस्ट को हिट कर रहे हैं, तो 12 से 15 सेट्स इनफ होते हैं जो एक घंटे में आराम से फिनिश हो जाते हैं। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है 2 से 3 घंटे वर्कआउट करने, और फोकस ना करें 2 से 3 घंटे वर्कआउट करने में, फोकस करें इंटेंसिटी को बढ़ाने में। फोर्थ वर्कआउट मिस्टेक इज ईगो लिफ्टिंग। यानी कि जिम में जाकर औकात से ज़्यादा वेट लिफ्ट करना जिसमें ना आपकी फॉर्म करेक्ट हो और ना ही टारगेटेड मसल पर टेंशन बिल्डअप कर पाए। बहुत से लोग होते हैं जो जिम में जाकर ज़्यादा वेट लिफ्ट कर लेते हैं और जर्क करते हैं, जिसमें ना आपकी फॉर्म करेक्ट रहेगी और ना ही टारगेटेड मसल पर टेंशन बिल्ड हो पाएगी, क्योंकि वेट की जो टेंशन है वो आप अलग अलग मसल पर डाइवर्ट कर देते हैं। अगर आप ईगो लिफ्टिंग कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट्स में सिर्फ इंजरी ही मिलेगी, और आपकी मसल तभी ग्रो होगी जब आप जिस मसल की एक्सरसाइज कर रहे हो केवल उसी पर टेंशन दें। और ईगो लिफ्टिंग में आप मसल बिल्डअप करने की बजाय इंजरी और ले सकते हैं, जो आपको साल भर बेड रेस्ट करा सकती है। फिफ्थ एंड फाइनल वर्कआउट मिस्टेक इज लैक इन कंसिस्टेंसी। बहुत से लोग होते हैं जो 1 महीने वर्कआउट करते हैं, फिर उनको रिजल्ट्स नहीं मिलता और जिम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, ना सिर्फ कंसिस्टेंसी, आपको लर्निंग एटीट्यूड के साथ कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। और यहाँ पर आपको रिजल्ट्स नहीं मिलता है तो
तो अभी आपको लर्निंग एटीट्यूड दिखाना है। आपको देखना है कि आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो क्यों नहीं मिल रहे, या फिर आपको अपना लर्निंग एटीट्यूड दिखाना है। आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी और सीखते रहना, चाहे आप गूगल से सर्च करके देखो या फिर आप यूट्यूब से सीखो या फिर कोई और वेबसाइट से सीखे, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि जिम में जाने से आपको एक्सरसाइज आ जाएगी, आपको वर्कआउट की नॉलेज हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेगी या फिर आपको अपना कोच हायर करना पड़ेगा। ऑलराइट गाइस, तो ये 5 वर्कआउट मिस्टेक थे जो आपको अपने वर्कआउट में बिल्कुल भी नहीं करने, और अगर आप इन 5 वर्कआउट मिस्टेक्स को क्विट करते हैं तो आपको अपने गोल्स को अचीव करने में एक हेल्प मिल जाएगी। और अगर आपका कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद, और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही है तो हिट द लाइक बटन। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, वंदे मातरम।